नमस्कार बच्चों, हम दो एडवर्टाइजमेंट पढ़ चुके हैं। आपने मैट्रिमोनियल्स हो गया, अकोमोडेशन हो गया। अब हम आगे आपके लिए अगला वीडियो जो लेकर आए हैं, अगले टॉपिक का, वो आपके लिए रहेगा लॉस्ट एंड फाउंड का। आप साथ साथ एक एक को पढ़ते रहे, समझते रहे। नई प्रॉब्लम कहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो ये अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉस्ट एंड फाउंड का। ये तीन नंबर एडवर्टाइजमेंट आपके लिए हैं। पहले हम बात करेंगे लॉस्ट की, फिर हम बात करेंगे फाउंड की। आपके लिए हम दो क्वेश्चन बनाएंगे। पहला हम लॉस्ट का क्वेश्चन लेके आएंगे, वो ही सारा ड्राफ्ट वगैरह वो का वो रहेगा। वैसे ही आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करना है, जैसे आप पहले करते भी आ रहे हो। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगला जो आज हम बात करेंगे, अगले लॉस्ट एंड फाउंड का पहला जो क्वेश्चन बनने जा रहा है, वो जैसे आपके लिए ये दे दिया, यू हैव लॉस्ट ए रिस्ट वॉच ऑफ गोल्डन कलर between government senior secondary school पिपराली एंड योर हाउ बिटवीन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिपराली एंड योर हाउ ऑन 10 अगस्त 2020 बिटवीन 10 AM टू 5 PM राइट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम बात करेंगे पहले लॉस्ट की। देखो लॉस्ट टॉपिक लिखा हुआ है, लॉस्ट से पता चल रहा है ये रिस्ट वॉच, एक आपने रिस्ट वॉच खो दी है गोल्डन कलर की बिटवीन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिपराली एंड योर होम। इस स्कूल के बीच में, आपके घर के बीच में आपने गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच खो दी है। कब? 10 अगस्त को और लगभग 10 बजे से 5 बजे के बीच। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको क्लासिफाइड कॉलम के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट जारी करवाना है किसी भी लोकल न्यूज़पेपर के लिए। ओके डियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन को क्लियर समझ लें। आपने कब खोया? बैक डेट में 10 अगस्त को खोया। आप करेक्टली टाइम नहीं बता सकते, ड्यूरेशन दी आपने 10 AM टू 5 PM। समझ गए बात? आप देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, वापिस वही बॉक्स बनाएंगे आप। ये आपने बॉक्स बना दिया बॉक्स। अब आप यह लिखोगे, हेडिंग लिखो लॉस्ट ए रिस्ट वॉच, ये आपने हेडिंग लिखी। यदि आप खाली लॉस्ट लिखते हो, लॉस्ट या फाउंड लिखते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं लॉस्ट 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 भी लिख सकते हो, तीन जगह। अब यहां से स्टार्ट करो,
लॉस्ट ए रिस्ट वॉच ऑफ गोल्डन कलर बिटवीन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिपराली एंड लास्ट ईस्ट वॉच ऑफ गोल्डन कलर बिटवीन स्कूल पिपराली एंड माई हाउ बिटवीन लिखा है पहले आप टाइम दे और आपने लिखा था 10 अगस्त को बिटवीन 10 AM टू 5 PM फिर आप ड्यूरेशन देंगे सॉरी ये हो गया प्लेस आ गया पहले अब आप ये लिखोगे फाइंडर विल बी गिवन सुटेबली रिवार्डेड ओके अब आप नीचे लिखो प्लीज कॉन्टेक्ट राजीव वर्मा आप लिखेंगे सूर्य कॉलोनी सीकर मोबाइल नंबर 9660 यह आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया अब आप इसको बंद करेंगे ठीक है डियर क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करेंगे देखो लॉस्ट आपने हेडिंग लिखी रिस्ट वॉच लिख दिया आपने फिर आपने लिखा लॉस्ट रिच वॉच ऑफ गोल्डन कलर बिटवीन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिपराली एंड माय होम ये आपने लिख दिया ये सारी चीजें हो गई क्वेश्चन में से कब 10 अगस्त को बिटवीन 10 AM टू 5 PM को अब आप यदि आपने वस्तु खोई है तो फाइंडर जो भी होगा उसको सुटेबली रिवार्डेड देंगे आप या कैश प्राइस बताना चाहो तो कैश प्राइस बता सकते हो डियर फाइंडर विल बी गिवन सुटेबली रिवार्डेड ओके ये कॉन्टेक्ट प्लीज कॉन्टेक्ट ये आपका नाम नहीं था क्वेश्चन में तो आप इसको क्वेश्चन के काल्पनिक रूप से आप लिखेंगे राजीव वर्मा 45 प्लॉट नंबर सूर्य कॉलोनी सीकर ये आपका मोबाइल नंबर आ गया ठीक है ये आपका हो गया लॉस्ट का क्वेश्चन हो गया समझ में आ गया होगा इसके बाद में हम फाउंड के क्वेश्चन की बात करेंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब हम बात करेंगे फाउंड की क्वेश्चन की अगला जो क्वेश्चन लेकर आया है हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप लिखेंगे 2 नंबर इसी में क्वेश्चन बनेगा यू आर मिस्टर रविंद्र वर्मा Living at Gandhinagar Bajaj Road Churu
ठीक है, यू हैव फाउंड ए सैमसंग J2 मोबाइल, इन द मार्केट ऑन 15 अगस्त 2020 at 10 AM, ओके ये लिख दिया। अब आगे लिखेंगे ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। ये समझ में आ गया? देखो डियर, आपने क्या लिखा, यू आर मिस्टर रविंद्र वर्मा, नाम ध्यान में रखना, मिस्टर रविंद्र वर्मा है, आप गांधीनगर बजाज रोड चूरू के रहने वाले हैं, ठीक है। यू हैव फाउंड ए सैमसंग J2 मोबाइल, कहाँ, इन द मार्केट में मिला, ठीक है, कब, 15 अगस्त को 10 बजे, यानी 15 अगस्त को 10 बजे आपको सैमसंग J2 मोबाइल मिला काम मार्केट में, और आपका नाम रविंद्र वर्मा है, आप भी कहाँ के रहने वाले हैं, गांधीनगर बजाज रोड चूरू के रहने वाले हैं। तो आपको आपको क्या करना है, क्लासिफाइड कॉलम में आपको एडवर्टाइजमेंट जारी करवाना है आपके लोकल न्यूज़पेपर में। क्वेश्चन समझ में आ गया? प्लेन नाम ध्यान रखिए, रविंद्र वर्मा है आपका, बजाज रोड, ये गांधीनगर बजाज रोड सीकर के, सॉरी चूरू के रहने वाले हैं, सैमसंग J2 है, डेट 15 अगस्त है, ओके डियर। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, तो ये किससे बनेगा, देखिए वापिस वही तरीका, वैसे ही आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बना लिया, ठीक है, बॉक्स बना लिया आपने, तो आप लिखेंगे फाउंड, ठीक है, आपने फाउंड लिख दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फाउंड ए मोबाइल, आप ये भी लिख सकते हो, फाउंड ए मोबाइल, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिखा फाउंड ए मोबाइल। अब आप लिखेंगे फाउंड ए सैमसंग J2 मोबाइल, J2 मोबाइल ऑन 15 अगस्त 2020, ठीक है, सॉरी इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, फाउंड ए J2 मोबाइल ऑफ गोल्डन कलर, ठीक है, आपने लिखा ऑफ गोल्डन कलर, ऑफ गोल्डन कलर ऑन 15 अगस्त 2020 को एट, ऑफ गोल्डन कलर 2020 को at 10 AM, ठीक है, आपने डेट दे दी है, मोबाइल का नाम बता दिया है 10 AM, ठीक है, एट मार्केट, ठीक है डियर, आपने लिखा, डेट वगैरह सब दे दी है, टाइम दे दिया, कौन सा मोबाइल है, क्या है, ये सारी चीजें दे दी आपने कंप्लीटली, आप डेट वगैरह बता दी, टाइम बता दिया, मोबाइल का नाम बता दिया,
ये दे दिया, ठीक है। अब आप लिखोगे तो आप लिखोगे प्लेज कैन कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट विद, लिखोगे प्लेज कॉन्टेक्ट विद अलोंग विद, अलोंग लिखेंगे आप, अलोंग विद लीगल डॉक्यूमेंट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स एट, ये आपने बता दिया प्लीज कैन कॉन्टेक्ट अलोंग विद लीगल डॉक्यूमेंट्स, अपने लॉगआउट या आईडी के साथ में आप मिले, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर आए साथ में, कहां पर मिलना है एड्रेस देखिए, आपने लिखा था रविंद्र ठीक है रविंद्र वर्मा, फिर आपने लिखा गांधीनगर बजाज रोड चूरू, ठीक है। ये आ गया मोबाइल नंबर आ गया, ये लो ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये देखिए आपने क्या लिखा है, वारंट डे सैमसंग J2 मोबाइल ऑफ गोल्डन कलर ऑन 15 अगस्त को 10 बजे मिला एट मार्केट में, प्लीज कैन कॉन्टेक्ट अलोंग विद लीगल डॉक्यूमेंट्स, आए अपनी आईडी साथ लेकर आए, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, किस एड्रेस पर कहां मिलेंगे, रविंद्र वर्मा गांधीनगर बजाज रोड चूरू, आपने बताया जो आपके क्वेश्चन में दिया था वो एड्रेस आ गया, आपको कोई इसमें फेरबदल नहीं करना होगा, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं थे उसमें तो आपने काल्पनिक रूप से लिख दिया, ओके। अब हम बात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, एक आपने लॉस्ट का पढ़ा, एक आपने फाउंड का पढ़ा है, ठीक है। तो हम लॉस्ट एंड फाउंड कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं आप, मैट्रिमोनियल्स हो गया, अकोमोडेशन हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड हो गया, आपने 6 एडवर्टाइजमेंट आप बताए हैं, उनमें से 3 कंप्लीट हो चुके हैं आपके आज। तो हम डियर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में वापिस आपसे बात करेंगे, आप एक एक वीडियो को समझते रहिए, बार बार देखें, एक बार समझ में नहीं है तो दो बार देखें, ओके थैंक्स।